तुम एक फर्स्ट क्लास डॉक्टर बनकर पूरी इंसानियत की खिदमत करो। मेरी अभी अबू से बात हुई है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द डाकू पकड़े जाए। मेरे बेटे का कातिल वो है जिसने चंद हजार रुपयों के लिए मेरे बेटे को सड़क किनारे गोलियां मार दी। वो डॉक्टर कातिल नहीं है जिसने मेरे बेटे को बचाने की कोशिश की है। अम्मी, अकल आ गई है मुझे, समझी तुम? मैंने तो उसे बहुत समझाया कि ये वकीलों के झंझट में ना पड़े, पहले डाकू वाले केस को संभाले, मगर वो कहती है डाकुओं को पकड़ना तो पुलिस का काम है, वो तो पकड़े ही जाएंगे। मुझे तो इंसाफ चाहिए साजिद के केस में। हाँ तो सही तो कहती है वो। तुम भी उसी की जबान बोल रही हो। मैं तो ये जानता हूँ वो अपने साथ नाइंसाफी खुद कर रही है, उस शोहर के खिलाफ जा रही है जिसने उसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा। इतनी इज्जत थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, वो उसी को फांसी दिलवाना चाहती है। लेकिन वो तो उसे साजिद का कातिल समझती है ना? गलत समझती है, वो उसका शोहर है। अगर उसे इस तरह से लीलो खवार करेगी तो अल्लाह की नजर में मुजरिम ठहरेगी और मुआशरे की नजर में भी। तो आपकी नसीहत का कोई असर हुआ उसे? नसीहत उस जैसी लड़कियों के लिए नहीं होती, नसीहत उनके लिए होती है जो गाफिल हो। वो तो सब कुछ जानते बूझते बेहिस हो चुकी है। वो उसके लिए रो रही है जिसकी जिंदगी बस इतनी ही थी, उसके खिलाफ हुई है जिसने उसे जिंदगी दी, उसके यतीम बच्चे की यतीमी दूर की। अम्मी, इससे पहले कि आरफा भाभी बाजार से वापस आ जाए, आप मेरी बात गौर से सुने। मेडिकल बोर्ड ने अली को बेगुनाह करार दे दिया है। अब आपके केस का कोई फायदा नहीं होगा अम्मी। अरे मैं कब कह रही हूँ कि कोई फायदा होगा, मैंने तो इस केस से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया है। अच्छा अम्मी, हमने क्या क्या जुल्म नहीं किए अली पे? मैंने उन्हें अपने भाई का कातिल कहा, अपने बच्चे का कातिल कहा, मगर आफरीन है अली पर, उन्होंने ना ही मुझसे कोई शिकवा किया और ना ही कोई गिला। आपको पता है अब तो वो मुझे अपने हाथों से नाश्ता बनाकर देते हैं। और उसकी माँ? अम्मी वो तो मेरे लाड उठाती नहीं थकती। अच्छा, मगर यहाँ तो बड़ी बातें कर कर गई थी वो। वो तो आरफा भाभी की वजह से की थी अम्मी। अगर आरफा भाभी मेरे और अली के बीच में से निकल जाए ना अम्मी, तो मेरे ससुराल पर सिर्फ मेरा राज होगा। अब होश आई है ना तुम्हें? यही बात तो मैं तुम्हें पहले कह रही थी कि अपने और अली के दरमियान से आरफा को माइनस कर दो। ये आप कर सकती हैं अम्मी। मैं? जी आप। अच्छा मेरी बात सुने, गौर से सुने। आप आरफा भाभी को किसी भी तरह से अली की जिंदगी से फारिग कर दें। मैं चाहती नहीं कि वो वहां पे जाएं। और फिर आप देखिएगा कि अली कैसे आरफा भाभी को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकेंगे। ये काम आप कर सकती हैं, आपको करना पड़ेगा अम्मी। और मेरी सास मेरे साथ है, वो मेरा साथ दे रही है, आप कर लेंगे ना अम्मी? वो तो ठीक है, मगर ये देख लो कि काबू आ जाए वो। इरम को देखें, कितनी चालाक निकली वो। माँ के साथ सारे नाते ही तोड़ दिए, ससुराल के साथ समझौता कर लिया उसने। इरम ने ठीक किया, अकलमंदी का तकाजा भी यही है। आरफा और आलियान के बगैर मेरी हस्ती अधूरी सी हो गई है। तुम अगर मुझे मुकम्मल देखना चाहती हो ना, तो प्लीज आरफा को ले आओ, मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ। इरम, बस दुआ करें मामा कि आरफा भाभी को थोड़ी अकल आ जाए और वो वापस आ जाए, ताकि भाई की जिंदगी में सुकून लौट आए। तो अबा करो आलिया, आरफा अली की जिंदगी में बहार नहीं खिजाम बनकर आई थी, और दोबारा आ गई तो वीरानियां साथ ले आएगी। नहीं मामा, भाई तो अपने आप को अधूरा समझते हैं आरफा भाभी के बिना, और आप जानती हैं आलियान में जान है उनकी। पराये जिस्म में कभी अपनी जान नहीं हो सकती, और आलियान पराया बच्चा है, अली का नहीं, समझी तो? मगर मामा, अली के सामने आरफा और आलियान का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस दुआ करो अल्लाह ताला इरम की गोद फिर से भर दे, फिर देखना अली के दिल से आलियान का ख्याल बिल्कुल ही निकल जाएगा।
ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। आप ख्वामखा अपने आप को उलझा रहे हैं, जबकि आरफा को आप ही ने मशवरा दिया था कि अली के खिलाफ अदालत में चली जाए। इसलिए कि मैं आरफा का दुश्मन नहीं, मैं चाहता हूं उसका घर आबाद हो जाए, अली को कबूल कर ले और साजिद को भूल जाए। साजिद को भूलना आरफा के लिए मुमकिन नहीं है। अगर साजिद को भूल जाना नामुमकिन है आरफा के लिए, तो निकाह के वक्त अली को हां क्यों की थी? डर जाती दुनिया के सामने, क्यों घबरा गई इल्जाम से? उधर इरम को देखें, कितनी चालाक निकली वो, मां के साथ सारे नाते ही तोड़ दिए, ससुराल के साथ समझौता कर लिया उसने। इरम ने ठीक किया, अकलमंदी का तकासा भी यही है, मियां बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना नाजुक भी, बहुत सूझ बूझ के साथ निभाना पड़ता है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये सारा कुछ आप आरफा को आराम से भी समझा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आरफा को एहसास हो, जब सारे दर बंद हो जाएं, तो सिर्फ एक दर खुला हो उसके लिए, और वो अली का दर। आज मैं बहुत खुश हूं अली, सब घर वाले भी बहुत खुश हैं, और आप भी अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आए हैं। आपके दिल में जितने भी वहम थे ना, उन सब से नजात मिल गई आपको। अच्छा, किस वहम की बात कर रही हो? यही कि साजिद भाई की मौत के जिम्मेदार आप हैं, और आपकी वजह से आरफा भाभी और आलियान की जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, अब ये वहम तो नहीं है मुझे, मगर साजिद का कर्ज मैं नहीं अदा कर सका। आपने उनकी बहन को इतनी सारी खुशियां तो दे दी हैं, अब कौन सा कर्ज रह गया है? ये कर्ज साजिद का नहीं है, मेरा अपना है, मेरी जात, मेरी हस्ती अधूरी सी लगती है। अली, हिरम, आरफा और आलियान के बगैर मेरी हस्ती अधूरी सी हो गई है, तुम अगर मुझे मुकम्मल देखना चाहती हो ना, तो प्लीज आरफा को ले आओ, मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ हिरम, वरना ये अधूरापन मेरी हस्ती को मिटा देगा। रात बहुत हो गई है, अंदर चलें। तुम जाओ इरम, मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगा। एक डॉक्टर के लिए पुरसुकून नींद सोना बहुत जरूरी होता है। नींद का ताल्लुक सुकून से होता है, पर मैं तो
आप आरफा भाभी की वजह से बेसुकून है ना, मगर वो अपनी राहें बदलने का फैसला कर चुके हैं, अब आप भी उन्हें भूल जाएं। वो वापस कभी नहीं आएंगी। तो फिर कहां जाएंगी रंबो, क्या करेंगी, दर बदर जिंदगी गुजारेंगी? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रब तुम आरफा को लेकर आओ, कुछ तो करो, मेरे सुकून का सामान कोई तो लेकर आए, कोई तो। आप दुआ करें, मैं भी आपके साथ दुआ करती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आरफा भाभी वापस जरूर आएंगी। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, चले। जा रही हूँ जी, मैं खुद कोर्ट जाकर अली के खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी, बगैर किसी वकील की मदद के, सरकारी वकील लूंगी मैं। तुम्हारे मुकदमे ने मेरे सर से छत छीन ली, इतनी बड़ी रकम हमारे हाथ से चली गई और तुम अभी भी हवा में तीर चला रही हो। अम्मी आप प्लीज आलियान को रख ले, लेकर जाओ इसे भी साथ, ताकि तुम्हें भी पता चले कि अपने हाथों जिंदगी बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। अरे आरफा, अरे आलियान को तो छोड़ जाओ। एक तो हर वक्त इस लड़की के नाक पर गुस्सा ही रहता है। मैं कातिल और तुम मेरे बेटे का भी कत्ल कर दोगे? पैसे दे दो मुझे। या कोई और डॉक्टर है कि नहीं? और ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? इसकी हालत खराब है, इसको ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना होगा। जहाँ मर्जी लेकिन यहाँ इसका इलाज भी कराऊंगी। कहाँ लेकर जा रही हो इसे? मेरे बेटे मर जाएगा तो ऐसे मुझे। ओ नो, क्या हुआ? मैं पहुंच रहा हूँ अभी। हुआ क्या है? इमरजेंसी का इधर किसका एक्सीडेंट हो गया, मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ? आरफा क्या हुआ इसे? ना मुझे मेरे बेटे को दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों ऐसे? तुम एक कातिल और तुम मेरे बेटे का भी कत्ल कर दोगे? आरफा इसे दे दो मुझे। या कोई और डॉक्टर है कि नहीं? और ये तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? इसकी हालत खराब है, इसको ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना होगा। जहाँ मर्जी लेकिन यहाँ इसका इलाज भी कराऊंगी। कहाँ लेकर जा रही हो इसे? मेरे बेटे मर जाएगा तो ऐसे मुझे। आज अली की बर्थडे है, क्या सोचा है? सोचना क्या है, जैसे आप कहती हैं कर लेते हैं। डॉक्टर आमिर का फोन? जी डॉक्टर। ओ नो, क्या हुआ? मैं पहुंच रहा हूं अभी। हुआ क्या है? डॉक्टर आमिर का फोन था, वो कह रहे हैं कि अली की बीवी और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आलियान की हालत तो बहुत नाजुक है। Oh my God, अगर आलियान को कुछ हो गया तो अली तो जिंदा नहीं रहेगा। इरम, 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 इरम बेटा। क्या हो गया अम्मी? सब खैरियत तो है ना, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? इरम, आरफा और आलियान का एक्सीडेंट हो गया और आलियान की हालत बहुत नाजुक है। क्या क्या कह रही अम्मी, आप ऐसे नहीं हो सकता। ये ठीक कह रही है बेटा, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और रास्ते में अपनी अम्मी को फोन भी कर लेना। आओ। जी अबू, बस चलिए ना। क्या बक रही हो तुम?
अच्छा अच्छा तुम फोन बंद करो इरम, मैं भी जुनैद को फोन करती हूँ। हाँ 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 जुनैद, जुनैद बेटा वो आरफा और आलियान का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? हाला कौन से हॉस्पिटल? अली वाले? मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। आरफा खुद को संभालो, इस वक्त हॉस्पिटल में अली के अलावा कोई भी सर्जन अवेलेबल नहीं है। अली एक कातिल है। आरफा भाभी क्या हो गया? तुम प्लीज आलियान को अंदर से ले आओ। आरफा भाभी होश करें, अली आलियान को बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप होश करें, वो ठीक हो जाएगा। होश करो आरफा, अली आलियान को मारेगा, उसे अपना काम करने दो। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती, प्लीज मैं अपना मुकदमा वापस ले लूंगी। प्लीज मेरे बच्चे की जान बख्श दे, मैं उसे कहीं और ले जाऊंगी। आरफा, आरफा, कहाँ है मेरा बच्चा? कैसा है वो? अम्मी, अली आलियान को अंदर ले गया। प्लीज आप उसे ले आए, आप हमारे आलियान को ले आए, उसे कहीं और लेके चले जाएंगे। आप उसे बुलाती क्यों नहीं? आप तो बुलाए ना। आरफा चुप कर जाओ, करो अल्लाह से, अल्लाह सब ठीक कर देगा। इतनी देर हो गई, ना कोई बाहर आ रहा है, ना कोई कुछ बता रहा है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या बना बच्चे का? बच्चे का ब्लड बहुत मुश्किल से मिल नहीं था रहा, तो अभी यानी कि ऑपरेशन अभी शुरू हो गया। अली बेटा कैसा है आलियान? अगर आलियान को कुछ हुआ ना अली, तो मैं बता रही हूँ मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी और अपनी भी जान दे दूंगी। अली, बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं? वो आलियान अब खतरे से बाहर है। देर इसलिए हुई क्योंकि आलियान का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, फिर अली ने अपना ब्लड दिया क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम। क्या मैं आलियान से मिल सकती हूँ? अभी नहीं आरफा, कुछ देर बाद मिल लेना। नूर, आरफा को आलियान से मिलने रहे दो। चले हम। ठीक है आलियान, बिल्कुल ठीक है। आरफा, तुम्हें उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने सर तोड़ कोशिश करते हुए तुम्हारे मरते हुए बच्चे को बचाया। देखा आरफा, अल्लाह ने इंसाफ कर दिया, अली को सुरखुरू कर दिया, इस केस से बरी कर दिया और उसे बेगुनाह करार दे दिया। वो अपने शोहर की कदर करो आरफा, कुछ खौफ है खुदा करो। भाभी अली आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बगैर खुद को अधूरा समझते हैं। आप अली से माफी मांग लीजिए भाभी, अब वो आपके शोहर हैं। चाहे ना मां। हाँ बेटा, जा।
अली मैं भूल गई थी कि मैं साजिद की बीवी नहीं हूं, अली की हूं। मुझे माफ कर दे अली, मैंने बहुत सताया है आपको, मुझ जैसी गुनाहगार नाफरमान बीवी को तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं। मुझे माफ कर दें अली, मुझे माफ कर दें। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तूने ही तो यूं बचाया है बाबरा। Oh,